हेलो एवरीवन, विश यू हैव अ वेरी गुड टाइम, होप यू डूइंग वेल। अब देखिए, एजुकेशन के अंदर हमने जाना है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो थ्री टाइप का होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर गैस स्टेट की अगर हम बात करें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस न के बराबर होता है, इवन दो उनके अंदर रिपल्सन फोर्सेस इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमको मैक्सिमम मिलता है। अब अगर अपन बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट के अंदर कंपेयर टू गैसेस इनके अंदर इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर या फिर उनके पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस कहीं ज़्यादा होता है, जिससे इनकी डेंसिटी कंपेयर टू गैसेस ज़्यादा होती है। अब ये जो लिक्विड स्टेट है एक यूनिक स्टेट है, अब या फिर तरह से बोला जाए कि हम स्टेट ऑफ मैटर की कौन सी स्टेट को जो है हम लिक्विड कंसिडर करेंगे, तो कि मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स की जो लेयर हो वो एक दूसरे पर स्लाइड करे, उसको जो है हम लिक्विड स्टेट कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो 3D के अंदर थ्री डायमेंशन में फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, वो चाहे ग्रेविटी के अफेक्ट में हो या चाहे किसी अदर फोर्सेस के अफेक्ट के कारण हो। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी लिक्विड होता है, हम उसको जैसे ही फ्लोर पे जो है गिराते हैं वो इंस्टेंट फैल जाता है, तो ये एक लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है। सो इन शॉर्ट हमने गैस एंड लिक्विड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर जो हमने डिस्कशन किया, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है सॉलिड स्टेट पे और सॉलिड स्टेट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे। सो माय नेम इज दिनेश गहलोत एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। सो लेट गेट स्टार्टेड। लिक्विड स्टेट के एटम्स के अंदर कुछ हद तक जो है स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में एटम्स के या फिर पार्टिकल्स के बीच में किसी भी टाइप का जो स्पेस नहीं होता। इवन कुछ सॉलिड्स के अंदर स्पेस या फिर जो एटम्स है वो एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, यही रीज़न होता है सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आज का जो लेक्चर है वो हमारा पार्ट वन है, जिसके अंदर जो हम है टाइप्स ऑफ सॉलिड पे बात करेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इस यूनिट के अंदर हम एटम्स को एटम्स ना बोल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है से जो है डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे जो है हमको दो टाइप के सॉलिड मिलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स या फिर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका एक ऑर्डरली एंड डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में ऑर्डरली एंड डेफिनेट एटम्स का अरेंजमेंट नहीं मिलता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऑर्डरली एंड डेफिनेट अरेंजमेंट होने के कारण ही उनको कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उनको कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज मिलती है जिनके कारण वो हार्ड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमॉर्फस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अब इनके अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो उनके अंदर एटम्स जो होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत परफेक्ट होता है थ्री डायमेंशंस के अंदर। उनके बीच की बॉन्ड लेंथ, उनके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से जो है अरेंज होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक तो हाई होता है, और साथ ही उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के जो है नेचर के होते हैं, जबकि अमॉर्फस का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर की एक रेंज में वर्क करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका जो कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूड होता है, यानी उनके अंदर जो फेज का ट्रांसफर है टेम्परेचर के साथ लिक्विड सॉलिड एंड गैस, उसका जो कर्व होगा वो अपन को डिसकंटिन्यू मिलेगा, एक फ्लैट नहीं मिलेगा, लेकिन अमॉर्फस के अंदर जो है उनका जो कर्व है हमको एक फ्लैट मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं अगर उनको अगर अपन कट करेंगे तो वो एक स्मूथ कटिंग देंगे, जबकि अमॉर्फस सॉलिड हमको एक रफ कटिंग देते हैं। साथ ही
क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो नेचर के अंदर अनिसोट्रॉपिक होते हैं। ये आपके बोर्ड के परस्पेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। अब अनिसोट्रॉपिक नेचर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, अनिसोट्रॉपिक नेचर ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्रिस्टल के अंदर इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग पाई जाती है, इसी को जो है हम अनिसोट्रॉपी बोलते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो है वो रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इन सबको जो है नहीं शो करते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज या फिर और जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है इन सबको जो है हम डिटेल से आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर फंडामेंटल बात करें तो उनका जो अरेंजमेंट होता है, सबसे पहली बात तो उनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक तो होता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कैसे कि सपोज ये केटाइन है और ये एनाइन है, तो यहाँ पर केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन का एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट मिलेगा पूरे के पूरे क्रिस्टल सिस्टम में, जब तक कि क्रिस्टल एंड नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी एक कैटाइन है और कैटाइन के बाद एक वापस और कैटाइन आ गया, नहीं, उसके बाद आपको एनायन मिलेगा, एनायन के बाद आपको कैटाइन मिलेगा, और ये एक काफ़ी लंबी दूरी तक जो है एक अरेंजमेंट मिलेगा। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात, एक तो इनका करेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब कैसे कि ये कैटाइन है, मैं अगर इस एक्सिस की बात करता हूँ, सपोज हमने ये एक्सिस जो है एक्स मान लिया, अब इस एटम और इस एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है सपोज हमने ए मानी, तो इस एटम और इस एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी एग्जैक्ट ए ही होगी, ये भी बिल्कुल ए ही होगी। सो ये इतने स्पेसिफिक होंगे, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ के अंदर ज़रा सा भी जो है कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एग्जैक्ट यही इनकी जो वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक्सिस के बारे में बात करूं, अगर यहाँ पर सपोज ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलोंग ये ऐसे एटम्स अरेंज है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ सपोज अपन ने माना बी है, तो यहाँ की भी बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट यही की यही वैल्यू होगी इनकी बी। ज़रा सा भी फर्क नहीं आएगा, इनका अरेंजमेंट इतना परफेक्ट होता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ, इनके जो पैरामीटर्स है, अब जैसे कि अगर इनकी बॉन्ड लेंथ अगर ये है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी एग्जैक्ट यही होगी। सपोज अगर ये बॉन्ड 200 किलो कैलोरी पर अगर ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड भी जो है 200 किलो कैलोरी पर ब्रेक होगा। इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इनके अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो भी एकदम स्पेसिफिक होगा, और वो भी उसकी भी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी। जैसे कैसे देखिए, सपोज ये वाला एंगल जो है अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ पर इनके जो एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो भी जो है एग्जैक्ट होगी। इस टाइप से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे डेफिनेट स्ट्रक्चर के होंगे, और इनके अंदर जो होगा एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा। अब अगर अपन बात करें अमॉर्फस सॉलिड के अंदर, तो एक तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप इस डायरेक्शन में देखिए, आप इस डायरेक्शन में सपोज ये एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपको सपोज ये कैटाइन है, ये एनाइन है, तो आपको कैटाइन एनाइन मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं हुआ। अब जो यहाँ अगर पर एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, इसको अपन जो है वॉइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई एटम प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर भी वॉइड है, यहाँ पर भी वॉइड है,
तो इस टाइप से अमोर्फस सॉलिड एक्चुअल में होते क्या हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के छोटे छोटे रेंज के सॉलिड्स होते हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज तक जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके बाद जो है कोई एटम जो है एब्सेंट हो जाएगा। अब इन्हीं वॉइड की वजह से जो है, ये जो वॉइड्स हैं इन्हीं की वजह से जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो नेचर के अंदर वीक होते हैं, क्योंकि इन पर जैसे ही अपन प्रेशर डालते हैं, कोई एनर्जी डालते हैं, तो इनके बीच में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है, जिससे यहाँ का और यहाँ का जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे लंबी होने लगती है वैसे वैसे इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस कम होता है, तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो क्रिस्टल है जैसे चौक है ये ईजिली जो है प्रेस करने पर टूट जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फंडामेंटल एटॉमिक पार्ट का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम वन बाय वन करके जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स की। अब देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर है, और ये जो हेक्सागोनल है वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट में होगा, यानी जहाँ तक क्रिस्टल होगा पूरा का पूरा उसमें ये जो एटम्स होंगे ये हेक्सागोनल वे के अंदर जो है अरेंज होंगे हर तरीके से, सब तरीके से, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग बात करो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग बात करो, या फिर चाहे जो है जेड एक्सिस के अलोंग बात करो, इनका अरेंजमेंट आपको जो है। और अगर हम यहाँ पर एटम्स के अरेंजमेंट की बात करें तो इनके अंदर डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, जैसे देखिए अगर सपोज आप इस एटम पे अगर अपन जो है डिस्कस करें, इस एटम पर ये एटम दोनों एग्जैक्ट जो है आइडेंटिकल है, कैसे कि इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो एग्जैक्ट होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो एग्जैक्ट होगी, और साथ ही इनके बीच के अंदर के जो एंगल्स होंगे वो भी एग्जैक्ट होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो इस टाइप की जो है सिमिलरिटीज़, एग्जैक्ट सिमिलरिटीज़ लिए हुए होंगे, इन्हीं की वजह से जो है इनका जो एक हार्ड स्ट्रक्चर जो है अपन को मिलता है, इनकी जो है हार्ड प्रॉपर्टीज़ अपन को जो है मिलती है। अब देखिए ये जो है अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है एटम्स जो है रेंडमली जो है अरेंज है, या ना तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है और ना ही जो है जो पैरामीटर्स है जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, ना ही एग्जैक्ट इनकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ हर जगह जो है वैल्यू डिफरेंस हो रही है। अब जैसे यहाँ देखिए इन दोनों एटम्स के बीच के अंदर का स्पेस इतना है, लेकिन यहाँ देखिए अच्छा खासा जो है स्पेस है, अगर इन पर अगर अपन प्रेशर लगाए या फिर इनको तोड़ने की कोशिश करें तो बहुत ईजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रेंडमली ऑर्डर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी के होते हैं। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही अपन किसी क्रिस्टल सॉलिड्स को अगर अपन चाकू से कट करेंगे तो उनका जो कट किया हुआ जो एरिया होगा वो शार्प होगा और वो स्मूथ होगा, एकदम शार्प होगा, ये जो है उनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैं इस क्रिस्टल्स को किसी एक पार्ट से ब्रेक करना चाहूँ, सपोज़ मैं चाकू से, मान लीजिए मैंने इस एक्सिस पर जो है चाकू से मैंने कट करने की कोशिश की, तो देखिए यहाँ पर ये जो इस तरफ वाले एटम और इस तरफ वाले एटम के बीच का जो बॉन्ड है, उनकी जो प्रॉपर्टी है या फिर इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो एग्जैक्ट एक जैसी है। अगर मैं चाकू से मैं इतना प्रेशर दूं जिससे ये सारी के सारी बॉन्ड क्या हो जाए, एक साथ ब्रेक हो जाए, जिससे क्या होगा ये वाला जो टुकड़ा होगा अलग हो जाएगा और ये वाला जो टुकड़ा है वो अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा अपन को एक शार्प एंड स्मूथ एज वाली जो है टुकड़े मिलेंगे काटने पर, इसी को ही जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है क्लीवेज प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो इस टाइप की क्लीवेज प्रॉपर्टी लिए हुए नहीं होंगे। अगर अपन अमॉर्फस सॉलिड को अगर अपन काटने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर जो है एक रफ टाइप का जो एज होगा
उसका फॉर्मेशंस होगा। अब इसका रीजन क्या होता है वो भी देखिए। अब देखिए सपोज मैं इस एक्सिस से इस क्रिस्टल को मैं कट करने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी एक्सिस के बीच के जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाए। अब इसके आसपास के जो जो कोई भी बॉन्ड वीक होंगे वो ब्रेक होंगे। सपोज़ मान लीजिए इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से ये वाला हुआ, इधर से ये वाला हुआ, इधर से ये वाला, तो हुआ क्या, जैसे इनको चाकू से कट किया तो एक अपन को जो है ज़िगज़ैग टाइप का जो है अपन को जो है एक कटिंग एज मिली, जिससे क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल होंगे ये शार्प एंड स्मूथ कटिंग नहीं देंगे, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं देंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की जैसी, ये कुछ उबड़ खाबड़ या फिर रफली जो है सरफेस का जो है फॉर्मेशंस करेंगे। ये अमॉर्फस सॉलिड का जो है करेक्टर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प एंड स्मूथ कटिंग देते हैं जबकि अमॉर्फस जो है रफ कटिंग देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अब इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर की बात करें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई सॉलिड जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है तो वो उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। आप उसको अगर 195 का टेम्परेचर दे दो वो मेल्ट नहीं होगा, वो सॉलिड की सॉलिड स्टेट में रहेगा। आप उसको 199 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दो वो तब भी जो है सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। जैसे ही आपने एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया वो जो है सॉलिड से जो है लिक्विड स्टेट के अंदर जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एक सॉलिड है, अब इस सॉलिड के अंदर ये जो स्केल दे रखा है वो टेम्परेचर का है और ये हीट फ्लो का है। अब ये जो सॉलिड है यहाँ तक तो जो है वो सॉलिड फेस के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जस्ट इसके बाद जो है वो सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये जो सॉलिड है ना डायरेक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो आप एक शार्प लाइन देख रहे हो इसी को ये अपन बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं वो एक रेंज के अंदर जो है मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। एक रेंज के अंदर कैसे, जैसे मान लीजिए कोई रबड़ है, रबड़ को अगर अपन गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होंगे वो नरम होंगे। 50 डिग्री सेल्सियस से फिर अपन टेम्परेचर और आगे बढ़ाएंगे, सपोज़ मान लीजिए हमने जो है टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब वो जो नरम होके थोड़ा सा और ज़्यादा जो है ग्लासी टाइप का होने लग जाएगा, और अगर अपन टेम्परेचर 100 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो जो है एक प्रॉपर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर आएंगे और लिक्विड स्टेट के अंदर आके जो है आके जलने लग जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर इनकी जो फेज है वो एक टेम्परेचर के रेंज के अंदर चेंज हो रही है। एक एग्जैक्ट जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर के डिफरेंस से जो है फेज के अंदर चेंज कैसे कर रहे थे वैसे यहाँ पर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई अमॉर्फस सॉलिड है जो इस टेम्परेचर पर तो कैसा है सॉलिड जैसा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अपन ने इतना हमने इंक्रीज़ किया तो ये सॉलिड से कैसा हो गया, ये ग्लासी हो गया, यानी इसकी जो फेज़ है उसके अंदर जो है चेंजेस आने लग गया। अब ये ना सॉलिड उतना सॉलिड नहीं रहा, और इसके बाद अगर अपन टेम्परेचर और राइज करते हैं तो ये जो है रबड़ी के अंदर जो है या फिर जो है एक मोल्टन स्टेट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो एक रेंज के अंदर है, शार्प जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिसोट्रॉपी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनका एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। अब देखिए अनिसोट्रॉपी के अंदर होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका रेसिस्टेंस, जैसे कंडक्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होगा, क्योंकि इन रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, इनकी जो वैल्यूज़ होगी, इनके अलग अलग एरिए में, इनके क्रिस्टल के अलग अलग पार्ट के अंदर जो होगी वो अलग अलग होगी, यानी सब जगह जो है एक जैसी नहीं होगी। अब जैसे इस डायरेक्शंस के अंदर जो है रेसिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस की वैल्यू अलग आएगी, और इस डायरेक्शंस के अंदर जो है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो अलग आएगी। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस डायरेक्शंस के अंदर या इस डायरेक्शंस के अंदर जो है अपन को क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स का जो है अलग अलग टाइप का जो है अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए, इस डायरेक्शंस की बात करें, अपन सी और डी के डायरेक्शंस की बात करें, तो सपोज़ मैं इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास ये कैटाइन है और इसको एनाइन मान लीजिए, तो इसके पाथ में कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन आता है, जिससे इसके रेसिस्टेंस की मान लीजिए प्रॉपर्टी हमको एक्स मिलती है। और उसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस डायरेक्शन से इस बी से मैं ए में या फिर ए से जो है मैं बी की तरफ में पास करवाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन की पाथ में जो है वो एक ही टाइप के जो है एटम्स मिल रहे हैं, तो पाथ चेंज हुआ, तो जिससे इसके सराउंडिंग्स चेंज हो गई या फिर इनके जो है इनको मिलने वाले पार्टिकल्स चेंज हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस की जो है वैल्यू भी क्या होगी अपन को अलग मिलेगी। इस नेचर को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होंगे वो रेंडमाइज होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जनरली वो जो करंट के जो होते हैं वो नॉन कंडक्ट नेचर के होते हैं, रेसिस्टेंस उनमें जो है होता नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है बहुत न के बराबर होती है उनके अंदर, इनके अंदर जो है एनिसोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी है जनरली नहीं पाई जाती है। अब अगर अपन अमॉर्फस सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड माने जाते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप बात करता हूँ ग्लास की, जो ग्लास जो है वो एक ट्रू सॉलिड नहीं है, ये एक स्यूडो सॉलिड है। अब स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या है कि ये सॉलिड ना होकर एक तरह से लिक्विड होता है। अब लिक्विड कैसे हैं, तो इसके लिए अपन को लिक्विड की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी या फिर लिक्विड होने का अपन को कैरेक्टर समझना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अपन लिक्विड कैसे कंसीडर करते हैं कि लिक्विड के अंदर क्या होती है, लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर जमी हुई। ये ऊपर की लेयर है, ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स की लेयर है, ये नीचे के मॉलिक्यूल्स की लेयर है, और इनके बीच के अंदर ये बॉन्ड होते हैं। अब ये जो बॉन्ड हैं ये मूवेबल बॉन्ड होते हैं, तो लिक्विड के अंदर होता है क्या कि ये बॉन्ड इतने मूवेबल और इतने वीक होते हैं, तो जैसे ही ग्रेविटी इस पर अपना इफेक्ट डालती है तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ये स्लाइड करके क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, जिससे क्या होता है लिक्विड फैल जाता है। ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक जो है प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। अब ग्लास के अंदर भी जो है यही प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास के अंदर जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठीक ऐसे ही लिक्विड के जैसे ही जो है स्लाइड करते हैं। अब इनकी जो ये जो देखिए आप ये ग्लास हैं, अगर आप ग्लास को आप पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर आप देखोगे कि जो ग्लास होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो हमेशा मोटा होता है। आप घर के अंदर जो 8-10 साल पुरानी जो ग्लासेस होगी आप उनका बॉटम चेक करना, आपको हमेशा जो उन ग्लास का जो बॉटम होगा ना वो नीचे से मोटा मिलेगा आपको। अब इसका रीज़न क्या होता है कि टाइम रहते रहते एक लॉन्ग रेंज के टाइम के साथ क्या होगा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लास के वो नीचे स्लाइड करते करते ग्रेविटी के इफेक्ट में स्लाइड करते करते नीचे जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा उनका जो बॉटम जो है वो मोटा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके जो पुराने ऑफिस हैं, जो अपने गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनकी आप विंडोज़ ग्लास की जो विंडोज़ चेक करना वो बॉटम से क्या होगी वो मोटी होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स होती है वो टाइम बाय टाइम स्लाइड करके नीचे बॉटम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये जो है अमॉर्फस सॉलिड की जो है एक उनका जो है यूनिक करेक्टर होता है, इसलिए इनको जो है अपन स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व है वो फ्लैट नहीं होता या फिर जो है डिसकंटिन्यू मिलता है अपन को, यानी कभी भी जो है अपन को ऐसा नहीं मिलेगा, वो हमेशा ऐसा मिलेगा कुछ। अब इसका रीजन क्या है,
वो देखिए। अब सबसे पहले तो जो है कूलिंग कर्व को समझिए कि कूलिंग कर्व होता क्या है। कि जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर होता है या फिर हाई टेम्परेचर में होता है, तो उसका जब टेम्परेचर अगर अपन ठंडा करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी फेज़ के अंदर चेंज आएगा और वो धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, जिससे जो अपन को उसकी फेज़ का जो ग्राफ मिलेगा उसको अपन जो है कूलिंग कर्व बोलते हैं। अब सॉलिड सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अपन को जो कूलिंग कर्व है वो कंटिन्यूस ना ना मिल के हमको जो है डिसकंटिन्यूस मिलता है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है, यानी वो एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे, फिर एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो इस सपोज इस सॉलिड को देखिए, ये इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर तो क्या है लिक्विड के जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अपन इससे और नीचे लेके जाते हैं, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आया, ये जो सब्सटेंस क्या होगा लिक्विड से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से इस टेम्परेचर से अगर जैसे ही अगर अपन टेम्परेचर और नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो कर्व है कूलिंग कर्व जो है ये डिसकंटिन्यूड अपन को जो है मिलेगा, लेकिन अमोर्फो सॉलिड के अंदर इसका जो कूलिंग कर्व जो है अपन को कंटिन्यूस मिलेगा। मतलब इस स्टेट पर जो है सब्सटेंस जो है अपन को लिक्विड या फिर गैस स्टेट के अंदर मिल रहा है, जैसे जैसे अपन ने टेम्परेचर डाउन किया टाइम के साथ क्या होगा वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, लेकिन उस फेज़ के अंदर क्या होगा कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट पर अपन को पता नहीं होगा कि कहाँ पर सॉलिड फेज़ है और कहाँ पर लिक्विड फेज़ है, और यहाँ आते आते वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड की थी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के व्यू से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।